आज की कार्यशाला एन कॉलेज मेरठ एम के थ्रू ऑर्गेनाइज की गई इसमें सिंपल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जैसे कि लाइक लाइक रोबोटिक्स एंड ड्रोन एंड ए आई कुछ सेशन ऑर्गेनाइज किए गए एंड सिंपल सिंपल रोबोट अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल वन लाइक ए सिंपल रडार सिस्टम लाइक ए डांसिंग रोबोट एंड इनके बारे में डिस्कशन किया गया दुनिया की चौथी औद्योगिक क्रांति की, की जो कार्यशाला हुई उसमें जब भी चर्चा हुई तो बड़ी मजेदार की बात आई आदमी का कद घट रहा है जबकि सब्जियों की लंबाई बढ़ती जा रही है वही बात करें जब क्रांतियों का क्रम आता है तो पहले सबसे पहले यांत्रिक क्रांति हुई फिर उसके बाद बिजली की क्रांति आई फिर उसके बाद कंप्यूटर और रोबोटिक की क्रांति आई और अब चौथे में रोबोटिक स्मार्ट फैक्ट्री और इंटरनेट की क्रांति आई तो ये दुनिया की चौथी औद्योगिक क्रांति है अब जब हम उस औद्योगिक क्रांति की, की बात करते हैं तो रोबोट को इंसान से जोड़कर देखने की बात तुलनात्मक अध्ययन में कुछ समझ में आता है इंसान के अंदर संवेदनशीलता होती है तो वही रोबोट में सेंसर होते हैं इंसान में दिमाग प्रोग्रामिंग और इंटेलिजेंसी होती है तो वही माइंड की जगह पर रोबोट में प्रोसेसर और कंट्रोलर होते हैं वही यांत्रिक ऊर्जा मूवमेंट करती है तो वहां एक एक्टरेटर एक्यूरेटर होता है और वहीं जहां भोजन खाता है इंसान तो वहीं बैटरी उसका भोजन होती है अब यदि सेंसर और संवेदनशीलता की बात करें तो रोबोट के अंदर नॉर्मल ही आईआर सेंसर होता है पीआईआर सेंसर होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है और एलडीआर सेंसर होता है एलडीआर सेंसर लाइट धूप अंधेरे के लिए होता है जो उसको समझने की कोशिश करता है अल्ट्रासोनिक सेंसर ट्रांसफार्मर और रिसीवर के काम करता है ट्रांसपोर्टर और रिसीवर का काम करता है एंड सिंपल ड्रोनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया ड्रोन कैसे उड़ता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्रोन एंड कैसे फ्लाई करता है कैसे इसका करंट मार्केट कितना है आगे फ्यूचर क्या है इसके बारे में सिंपल डिस्कशन किया गया आफ्टर दैट सिंपल ड्रोन कैसे फ्लाई सेशन ऑर्गेनाइज किया गया फ्लाई सेशन ऑर्गेनाइज किया गया ठीक है इन द कैंपस ऑफ एन एस मेरठ कॉलेज थ्रू द एम आई टी कॉलेज